कुछ जानकारी मैं देना चाहूंगी। अगर किसी को डेंगू हो जाता है, बुखार है और टेस्ट में है कि वो उसकी वजह डेंगू है, तो कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी व्यवस्थाएं पूरी हैं। हमारे बहुत कम लोगों को कई बार प्लेटलेट्स फॉल करते हैं, तो हमारे यहाँ प्लेटलेट्स की कोई कमी नहीं है। हमारी ब्लड सेंटर सर्विसेज बिल्कुल फुली एक्टिवेटेड हैं। लेकिन हर वायरल इन्फेक्शन में जो एक जनरल जानकारी जो हम कोविड के वक्त भी देते थे कि एंग्जाइटी या का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, अपनी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन पे, अपने सिस्टम पे भरोसा रखिए, और रेस्ट एंड हाइड्रेशन, खूब पानी, तरल पदार्थ, शिकंजवी, नारियल पानी, सूप्स पीते रहिए, फल खाइए, और कोई डेंगू अगर हो भी जाता है तो रिकवरी बिल्कुल निश्चित ही होती है। कोई ये जो अभी हमने देखा जो डेथ्स हुई भी हैं, वो पेशेंट की अपनी या उसके अटेंडेंट्स की या वो कहीं दूर दराज ये एरियाज लेट में रिपोर्टिंग, लेट रिपोर्टिंग की वजह से हुई है, जब उन्होंने डिजीज़ को काफ़ी बढ़ावा हो चुका था किन्हीं वजहों से। नहीं तो हम जानते हैं कि डेंगू में बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ केसेस में डेंगू शॉक सिंड्रोम, शॉक में चले जाता है मरीज़। जो मरीज़ टाइम पे हमारे पास रिपोर्ट करते हैं तो शॉक को ट्रीट कर लिया जाता है, संभाल लिया जाता है। ऐसे ही डेंगू हेमरेजिक, यानी आप देखते रहना कि कहीं से ब्लीडिंग तो शुरू नहीं, नाक, मुंह या कहीं बॉडी पे ऐसे निशान पड़ने शुरू हो गए, प्लेटलेट्स फॉल कर रहे हैं, तो ब्लीडिंग टेंडेंसीज रहती हैं, वो भी संभाल लिया जाता है। अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने सिस्टम पे भरोसा रखिए और अपना योगदान अच्छे से दीजिए, तो मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि आपका ये जम्मू है डेंगू मुक्त रह सकता है आने वाले सालों में, अगर हम मच्छर को पैदा ही ना होने दें। और इसी सीज़न के लिए नहीं, आने वाले वर्ष प्रतिवर्ष जैसे मानसून होगी, जुलाई के बाद हमें अपनी डेंगू की तैयारियां शुरू करनी होंगी, तो हर कोई अगर जिम्मेवारी लेता है कि हमारे आगे पीछे मच्छर ना हो और पैदा होने ही ना दे, डेंगू मुक्त होने से पहले हमें मच्छर मुक्त होना पड़ेगा। तो यही मेरी आप सबको सलाह है कि आप अपना जो व्यक्तिगत योगदान है आज से ही शुरू कर दें। जैसा कि प्रिंसिपल मैम ने काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स जो हैं डेंगू के कवर कर दिए हैं उन्होंने ब्रॉडली, लेकिन मैं कुछ दो चार चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा कि जो आपके माध्यम से जिन लोगों तक ये मैसेज जा रहा है, एक तो वो जो वाटर जो स्टेगनेंट जहाँ पे टायर्स पड़े हैं या कोकोनट शेल्स या छत पे, जैसा कि मैम ने कहा ब्रोकन टिन्स वगैरह पे आर्टिफिशियल कलेक्शंस में स्टेगनेंट वाटर हो जाता है, तो वो जो है एडीज एजिप्टाई के लिए बच्चे बड़ा अच्छा ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है। तो हमें जो है अगर उस साइकिल को ब्रेक करना है कि वो पनपे ना, उसके एग्स लार्वे और पूरा एडल्ट मॉस्किटो नहीं बने, तो उसको हमें वीकली इसको एवरी संडे या एक दिन फिक्स करके उन कंटेनर्स को पूरी तरह ड्राई करना है, चाहे कूलर्स हों, चाहे कहीं भी हों, किसी जगह का भी वाटर है उसको पूरा ड्राई करना है। तो एक वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि वो अपने आप को जो पूरी बाजू वाली शर्ट और पूरी पैंट भी जो है पैंट पहने, निकरे नहीं पहने इस सीज़न में, क्योंकि ये जो मच्छर एडीज चढ़ता है इसकी प्रेडिलिक्शन है एंकल्स में और एल्बोज में ये ज़्यादा काटता है। जैसा कि मैम ने कहा, आपसे शेयर किया कि सुबह के टाइम और शाम को, डान और डस्क के टाइम इसका टिपिकल ये जो है डे बाइटर है फीमेल्स और काटता है ये एडीज एजिप्टाई का, जो फीमेल एडीज एजिप्टाई का है वो ज़्यादा करता है इसको डिजीज़ को ट्रांसमिट। तो डेंगू में वैसे तो कुछ पेशेंट तो ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, मे बी 70-80% अपने आप ही मैनिफेस्ट ही ना करें सिम्टम, लेकिन कुछ परसेंट जो है जिनमें कोमॉर्बिडिटी प्रेजेंट हो या इम्यून स्टेटस कम हो, तो वो पेशेंट जो है उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, जैसा कि हम देख रहे हैं। 1156 मरीज कल तक दाखिल हो चुके थे, 5 डेथ्स हुई हैं। मैं बताना चाहूँगी कि ये जो डेथ्स हुई हैं ये लेट रेफ़र होके आए पेरिफ्री से मरीज़। हमारे यहाँ टाइम पे आते जो भी मरीज़ आ रहे हैं वो बिल्कुल 100% मैनेज हो रहे हैं। हमारा ये डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन है और डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, ये अच्छे तरीके से बिल्कुल कार्यरत हैं और जो प्रोटोकॉल्स के मुताबिक इलाज होना चाहिए मरीज़ों का हो रहा है, और जैसे जैसे चुनौती बढ़ रही है हमारी व्यवस्थाएँ भी बढ़ रही हैं। लोगों को क्या अवेयर करना चाहेंगे डेंगू को लेकर? लोगों को
पब्लिक पार्टिसिपेशन का रोल बताऊंगी। कोविड में भी हमने सीखा, डेंगू में भी मैं बता रही हूँ कि हर व्यक्ति को हमारे साथ जुड़ने की ज़रूरत है। वो मॉस्किटो कंट्रोल करें, वेक्टर कंट्रोल करें, मच्छर नहीं होंगे तो डेंगू नहीं होगा। तो एक मैसेज छोटा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई स्पेशल वार्ड जो डेंगू के पेशेंट्स के लिए? बिल्कुल, हमारे जो शुरुआत में ही जैसे सीज़न शुरू होता है मानसून, तो डेंगू के लिए वार्ड्स की तैयारी कर दी जाती है और डेडिकेटेड वार्ड्स हैं। अभी हमारा वार्ड नंबर 3 बहुत अच्छा है, वो वहाँ पे हमने कर दिया। और एक आखिरी सवाल मैं, आप लोगों को क्या संदेश देंगे, कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, कैसे इस प्रिटेक्ट किया जा सकता है? मैम एक मिनट, एक आखिरी सवाल, ये जो 5 डेथ हुई है, ये 5 जम्मू के रहने वाले? ये कटरा के थे, अखनूर के थे, 5 के 5 ये पेरीफ्री से रेफर होके आए थे। टर्मिनली ये इल हो चुके थे, मल्टी ऑर्गन फेलियर और शॉक में जा चुके थे जब हमारे पास आए। और एक मरीज में इंट्राक्रेनियल हेमरेज, ब्लीडिंग डिसऑर्डर और दिमाग के अंदर हेमरेज हो चुकी थी। थैंक यू।